हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्ले में आपको मैथ्स गणित पार्ट के नाम से प्ले मिल जाएगी उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका किसी गाँव की जनसंख्या पाँच घट जाती है यदि वह जनसंख्या तीन अधिक होती जनसंख्या में दस परसेंट की वृद्धि हो जाती गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करें क्लियर है की जनसंख्या भी जनसंख्या होगी अपने आप में क्या होगी हो दोस्तों हंड्रेड होगी क्लियर यह बात तो है जो भी जनसंख्या होगी गांव की अपने आप में कितनी होगी 100 परसेंट अब होता क्या इस 100 परसेंट में से 5 परसेंट घट गई जब पाँच परसेंट घट गई तो कितनी बची नाइन्टी फाइव परसेंट बची क्लियर दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया अब बाद में क्या कह रहा है कि जनसंख्या में दस परसेंट की वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में क्या, क्या होता है दस परसेंट की वृद्धि हो जाती है अब हंड्रेड परसेंट में दस परसेंट की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा एक सौ दस परसेंट हो जाएगा क्लियर है अब देखिए ये कितनी है पचानवे परसेंट ये कितना है एक सौ दस पचानवे से एक सौ दस कितना अधिक है पचानवे से 110 दोस्तों कितना अधिक है 15 परसेंट अधिक है क्लियर है कितना अधिक है 15 परसेंट अधिक है और जहां पर जनसंख्या में कितना अधिक है तीन हजार अधिक है तो 15 परसेंट तीन हजार के बराबर हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ में आगे बात 15 परसेंट कितने के बराबर हो जाएगा तीन हजार के बराबर हो जाएगा अब पंद्रह का मान तीन तो हंड्रेड का मान क्या होगा क्योंकि जनसंख्या जितनी भी होगी अपने आप में कितनी होगी हंड्रेड परसेंट होगी पंद्रह परसेंट का मान तीन हजार तो हंड्रेड परसेंट का मान कितना होगा दोस्तों तो तीन हजार ये कहाँ पर आ जाएगा पंद्रह बटे में आ जाएगा गुड़े सौ क्लियर दोस्तों समझ में आगे बात अब इसे कटा लेंगे पंद्रह से कितनी बार कटेगा पंद्रह दूनी तीस कटेगा दो जीरो बचेंगे मतलब दो सौ दो सौ का मल्टीप्लाई कर दो तो सौ से आपका आंसर आ जाएगा दो एक कम दो हो जाएगा एक दो तीन चार चार जीरो हैं तो आप चार जीरो यहाँ पर लगा दीजिए कितना हो गया बीस हज़ार तो गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात करनी थी कितनी है गांव की मूल जनसंख्या बीस हजार है तो कौन सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए जो आपकी समझ में नहीं आया हो यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए क्लियर दोस्तों और कमेंट में बता दीजिए सर अच्छा लग रहा है ठीक है अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी वारी से एक एक दिन कार्य करते हैं कार्य कितने दिन में पूरा होगा क्लियर दोस्तों इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों एल मेथड क्लियर है देखिए ए आपका कितने दिन में कर रहा है काम को बारह दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है अट्ठारह दिन में दोनों का आप क्या करेंगे एल्सियम ले लेंगे दोनों का कैल्शियम दोस्तों कितना आएगा छत्तीस आ जाएगा अब बारह से छत्तीस को काटेंगे तीन बार जाएगा अठारह से काटेंगे छत्तीस को दो बार जाएगा इसका मतलब यह है ए एक दिन में तीन काम करता है बी एक दिन में दो काम करता है और टोटल काम कितना है आपका छत्तीस क्लियर है जो हमारा एल्शियम होता है वो होता है हमारा टोटल काम क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कार्य को कौन आरंभ करता है ए ए कार्य को आरंभ करता है क्लियर मतलब पहले दिन कौन काम करेगा ए करेगा फिर दूसरे दिन बी आएगा कार्य करने फिर तीसरे दिन ए आएगा फिर बी आएगा कार्य करने ऐसे ही तो कर रहे हैं वो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं क्लियर दोस्तों समझ में आ रही है बात क्लियर है अब देखिए मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ पहले दिन ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा काम करने फिर बी आएगा फिर ए आएगा 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 फिर बी आएगा इस तरह से तो काम कर चलेगा दोस्तों आपका पहले दिन ए आएगा ए कितना काम करता है एक दिन में तीन यूनिट काम करता है वो तीन काम करके अपना चला जाएगा फिर दूसरे दिन कौन आएगा बी आएगा कार्य करने ए नहीं आएगा बी कितना काम करता है एक दिन में दो काम करता है तो वो अपना दो काम करके चला जाएगा अब दोनों का टोटल काम कितना हो गया पांच क्लियर है दोनों का टोटल काम कितना हो गया पाँच Osionfish. ये पाँच कितने दिन का काम है दो दिन का पहले दिन ए का दूसरे दिन बी का दो दिन का काम टोटल कितना है पाँच कितने का काम है दोस्तों ये पाँच आपका दो दिन का काम है टोटल काम कितना है दोस्तों आपका छत्तीस है टोटल काम कितना है छत्तीस छत्तीस में पाँच से भाग दे देंगे कितनी बारी जाएगा दोस्तों छत्तीस में पाँच से भाग देंगे तो जब छत्तीस में पाँच से भाग देंगे चला जाएगा पाँच सत्ते पैंतीस क्लियर है एक बचा क्लियर दोस्तों एक बचा है अब जो हमारा सात निकल के आया है कितना निकल के आया है सात अब देखिए ये हमारा कितने दिन का काम था दो दिन का मतलब ये हमारा जो पाँच है कितने दिन का काम है दो दिन का तो सात में भी क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे सात दुनिया कितना हो जाएगा चौदह यहाँ पर कितना बचा है अभी एक तो ऊपर एक के लिए रहे? नीचे कितना आएगा दोस्तों कार्य को कौन आरंभ करेगा ए आरंभ करेगा तो नीचे आ जाएगा तीन तो चौदह पूर्णांक एक बट्टे तीन आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अभी जाइए मत पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा क्लियर दोस्तों देखिए पहले दिन ए आया फिर दूसरे दिन कौन आया बी आया ठीक है फिर ए आएगा अपना तीन काम करेगा फिर आएगा दो दोनों का कितना हो जाएगा पाँच काम हो जाएगा फिर ए आएगा तीन काम करेगा बी आएगा दो काम करेगा दोनों का मिला के कितना हो जाएगा पाँच फिर ए आएगा तीन करके चला जाएगा फिर बी आएगा दो करके चला जाएगा दोनों का काम कितना हो जाएगा पाँच फिर ए आएगा कार्य करने के लिए वो अपना तीन काम करेगा फिर बी आएगा दो काम करेगा फिर दोनों का काम कितना हो जाएगा पाँच फिर ए आएगा कितना करेगा तीन फिर बी आएगा कितना करेगा दो दोनों का काम हो जाएगा क्लियर अब कितना हो जाएगा पाँच फिर ए आएगा कार्य करने के लिए कितना हो जाएगा तीन फिर बी आएगा कार्य करने के लिए कितना हो जाएगा दो क्लियर दोस्तों ए कार्य को आरंभ कर रहा है तो सबसे पहले कार्य को ए ही आरंभ करेगा यहाँ पर दोनों का काम कितना हो गया पाँच यहाँ पर दोनों का काम पाँच यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच यहाँ भी पाँच और यहाँ भी कितना हो गया पाँच मैं सभी काम को जोड़ लेता हूँ पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस यहाँ तक कितना काम हो गया हमारा पैंतीस काम हो गया टोटल काम कितना है छत्तीस यहाँ तक टोटल काम कितना हो गया हमारा पैंतीस अब ये पैंतीस काम कितने दिन में हो रहा है दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तभी तो मैंने यहाँ पर चौदह लिखा था क्लियर है चौदह दिन में हो रहा है हमारा कितना काम पैंतीस काम चौदह दिन में हो रहा है अब काम कितना बचा छत्तीस में एक बचा तो एक ऊपर अब पैंतीस काम चौदह दिन में हो रहा है यहाँ तक हो गया हमारा पैंतीस काम अब कार्य आरंभ कौन करेगा करने के लिए कौन आएगा ए आएगा ए कितना करता है तीन करता है तो एक काम बचा है उसे कौन करेगा ए करेगा? करेगा कितना करेगा ए तीन करता है एक दिन में तो एक बट्टा तीन इसीलिए तो हो जाएगा ये क्लियर दोस्तों समझ में आएगी बात सीधा सा कंसेप्ट है जब ये दो दिन का काम है आपका पाँच तो पाँच से भाग दे देंगे जो भी आपका सेसफुल आएगा उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा क्लियर दोस्तों जब यहाँ पर ये यह दो दिन का काम है तो इसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका यदि किसी संख्या में इक्कीस जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से सात कम हो जाती है वह संख्या कितनी है देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन से सॉल्व करना क्लियर है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पहला ऑप्शन ले लेंगे पहला ऑप्शन क्या इतना है चौदह ले लिया हमने क्लियर दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि किसी संख्या में इक्कीस जोड़ा जाए तो हम संख्या में मतलब चौदह में क्या करेंगे इक्कीस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जब हम इसमें इक्कीस जोड़ेंगे ये हो जाएगा दोस्तों आपका पैंतीस क्लियर है इक्कीस जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से सात कम है चौदह का तिगुना कर दो चौदह का तिगुना कितना होता है चौदह तिह कितना होता है चौदह तीय होता है बयालीस ठीक है अब देखिए क्या ये पैंतीस बयालीस से कितना कम है तो बयालीस से पैंतीस दोस्तों कितना कम है सात कम है तो सात कम ही तो बोल रहा है वो यदि किसी संख्या में इक्कीस जोड़ा जाए हमने चौदह में इक्कीस जोड़ा पैंतीस हो गया वह अपनी तिगुनी संख्या से तो चौदह में जोड़ा ना इक्कीस तो चौदह का तिगुनी संख्या कितनी होगी बयालीस बयालीस से कितना कम होना चाहिए सात कम हो जाती है तो यहां पर सात कम ही तो हो रहा है तो वह संख्या कितनी है वह संख्या चौदह हो जाएगी मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ में आ गई बात पहला सही नहीं होता तो हम दूसरा चेक करते सोलह ले लो सोलह में इक्कीस जोड़ना है इक्कीस जोड़ देते हैं सोलह में इक्कीस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सैंतीस हो जाएगा फिर सोलह का तीन गुना करके देख लो आप कितना होता है सोलह का तीन गुना होता है अड़तालीस सोलह दूनी बत्तीस सोलह तीस अड़तालीस क्या आपका सैंतीस अड़तालीस से कितना कम है ये ये तो दोस्तों ग्यारह कम है और ये कितना कम था ये सात कम था कंडीशन क्या है आपकी सात कम वाली है तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ में आ गया क्वेश्चन अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका यदि किसी वस्तु को पाँच परसेंट हानि की अपेक्षा पंद्रह परसेंट लाभ पर बेचा जाता है क्लियर है पाँच परसेंट हानि की अपेक्षा क्या करता है पंद्रह परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को चार सौ रुपये अधिक मिलते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है क्लियर है देखिए जो भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा अपने आप में कितना होगा हंड्रेड परसेंट अब पाँच परसेंट की उसे हानि पर बेचा जाता है तो इसका मतलब कितने में बेचा जा रहा है नाइन्टी फाइव परसेंट में बेचा जाता जा है और 15 परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो कितने बेचा जाएगा 115 में बेचा जाएगा 115 परसेंट में क्लियर है अब देखिए एक से 115 कितना अधिक है 20 अधिक है और यहाँ पर कितने रुपए अधिक मिलते हैं उसे चार सौ अधिक मिलते हैं तो ये बीस अधिक कितने के बराबर हो जाएगा चार अधिक के बराबर हो जाएगा क्लियर है और आपसे क्या पूछा गया क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों अपने आप में 100 परसेंट जब 20 परसेंट का मान 400 तो 100 परसेंट का मान कितना होगा दोस्तों चार सौ बटे का कितना बीस गुने सौ बस आ गया आपका आंसर इसको काट देंगे बीस पच्चीस सौ होता है और चार सौ का मल्टीप्लाई कर दीजिए पांच से आपका आंसर आ जाएगा चार पंजे का भी होता है बीस और दो जीरो मतलब दो हजार क्रह मूल्य कितना है दोस्तों दो हजार है मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा क्लियर दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30 परसेंट एल्कोहल है घोल में कितना एल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50 परसेंट बन जाए देखिए दोस्तों 200 लीटर का एक घोल है और इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक की ही बात हो रही है एल्कोहल की और दूसरा मिश्रण आपको नहीं दिया गया है क्या है क्लियर दोस्तों एक ही मिश्रण है एल्कोहल और एल्कोहल की मात्रा तीस है इसमें और कह रहा है पचास परसेंट होने के लिए हमें कितना एल्कोहल और मिलाना पड़ेगा क्लियर दोस्तों टोटल एल्कोहल कितना है हमारे पास दो सौ है क्लियर है पहले एल्कोहल की मात्रा कितनी है तीस परसेंट है वो क्या क्या कह रहा है कितनी हो जाए बाद में बाद में हो जाए दोस्तों पचास परसेंट पहले मात्रा तीस परसेंट है वो चाह रहा है बाद में पचास परसेंट हो जाए तो कितना अधिक मिलाना पड़ेगा बीस परसेंट एल्कोहल अधिक मिलाना पड़ेगा तो इस दो सौ लीटर में क्या करेंगे बीस परसेंट आप अधिक मिला दीजिए कितनी मात्रा बन जाए पचास परसेंट हो जाए तो पचास से यहाँ पर आप डिवाइड दे दीजिए बस आपका आंसर आ गया अच्छा? के लिए दोस्तों समझ में आ गई बात बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अब देखिए जीरो से आप यहाँ पर इस जीरो को कटा दीजिए पाँच से कटाएंगे कितनी बारी पटेगा पाँच चौके बीस एक ये जीरो चालीस चालीस का दो में मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया अस्सी तो हमें एल्कोहल और कितना मिलाना है दोस्तों अस्सी लीटर मिलाना है आपका आंसर आ चुका है ठीक है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा जो पहले वाली मात्रा है वो रखिए बाद में कितनी मात्रा बन जाए वो रखिए कितनी बढ़ रही है बीस परसेंट बढ़ी तो बीस से मल्टीप्लाई कर दो कितनी बन जाए पचास तो पचास से डिवाइड कर दो बस आपका आंसर आ गया क्लियर दोस्तों समझ में आ गया क्वेश्चन अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके पास रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय का अनुपात पाँच अनुपात तीन था जिसमें परिवार की आय बहत्तर हजार रुपये थी उस महीने की बचत होगी क्लियर दोस्तों उसे क्या पूछा है उसे महीने की बचत क्या होगी यह पूछा है अब देखिए उसके पास अनुपात किसका दे रखा है बचत का और व्यय का किसका दोस्तों बचत का अनुपात दे रखा है और किसका अनुपात दे रखा है व्यय व्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों खर्च होता है क्लियर है खर्च का अनुपात यह अनुपात आपको दे रखा है कितना पांच अनुपात तीन पांच अनुपात तीन दे रखा है और इनकी कमाई का योग कितना है दोस्तों आय का योग कितना है बहत्तर हजार क्लियर है बहत्तर हज़ार है तो क्या करेंगे इस योग में अनुपातों का योग करके डिवाइड दे देंगे तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा पाँच और तीन आठ आठ से भाग दे दो कितनी बारी चला जाएगा आठ निम्न बहत्तर नौ बारी गया एक दो तीन जीरो है क्लियर जिसका पूछा गया उसमें मल्टीप्लाई कर दो आपसे क्या पूछा महीने की बचत बचत का अनुपात कितना है पाँच तो इस नौ हज़ार का पाँच ही मल्टीप्लाई कर दो नौ पच्चे कितना होता है दोस्तों पैंतालीस होता है और तीन जीरो लगा दीजिए तो पैंतालीस हज़ार हो गया आपका सही आंसर सी ऑप्शन खर्च पूछा जाए तो नौ का मल्टीप्लाई तीन में कर दो नौती कितना हो जाएगा सत्ताईस और तीन जीरो मतलब सत्ताईस हजार क्लियर है दोस्तों सत्ताईस हज़ार खर्च हो गया बचत कितना हो गया पैंतालीस हज़ार अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पैंतालीस हजार और कितना सत्ताईस हज़ार ये पेन दोस्तों चलना बंद हो गया है दूसरा पेन ले लेते हैं ठीक है पेन चलना बंद हो गया दूसरा पेन ले लेते हैं कितना सत्ताईस हज़ार तो हम इसको जोड़ देंगे एक जीरो जीरो को जोड़ा जीरो जीरो का जोड़ा जीरो जीरो को जोड़ा जीरो, 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 जीरो। सात पाँच बारह बारह का दो कैरी का वन रहेगा वन और फोर कितना हो जाएगा फाइव फाइव में टू जोड़ दो कितना हो जाएगा सेवन तो ये कितना हो गया बहत्तर हज़ार अब बहत्तर हजार की उनकी आय है बहत्तर हज़ार की उस आय में से क्या करते हैं वो पैंतालीस हजार तो बचा लेते हैं और सत्ताईस हजार रुपये खर्च कर देते हैं आपसे क्वेश्चन में बचत पूछी थी तो बचत हो गया पैंतालीस हजार यदि खर्च पूछता तो खर्च हो जाता आपका सत्ताईस हज़ार क्लियर दोस्तों समझ में आ गई बात अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका यदि आठ की पावर एक्स प्लस वन बराबर चौंसठ हो तो तीन की पावर टू एक्स प्लस टू का मान क्या होगा ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है अब देखिए इसको यहाँ पर आठ की पावर एक्स प्लस वन है अगर हम इसको भी आठ बना लें क्या करें दोस्तों हम इसको भी अगर हम आठ बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बेस समान हो जाएगा क्लियर है क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बेस समान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेस को समान कर लेते हैं क्लियर दोस्तों देखिए कैसे आठ की पावर कितना है एक्स प्लस वन क्लियर है बराबर कितने के है चौंसठ के तो हम चौंसठ को क्या लिख सकते हैं आठ का स्क्वायर लिख सकते हैं तो बेस क्या हो गया हमारा समान हो गया जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर तो पावर को क्या कर लेते हैं हम बराबर कर लेते हैं क्लियर है तो एक्स प्लस वन यही तो पावर है बराबर कितनी की हो जाएगी दो की हो जाएगी जब बेस बराबर तो फिर पावर भी बराबर हो जाती है क्लियर है अब देखिए x बराबर ये टू है ये प्लस का बन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बन तो x बराबर दो में से एक गया कितना आ गया एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों x की वैल्यू आ गई आपकी एक क्लियर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x की जगह पर ये एक रख देंगे क्लियर है तो रख दीजिए तीन की पावर कितनी है दो गुड़े एक्स की जगह क्या रखेंगे वन प्लस कितना हो जाएगा दो क्लियर है तो ये कितना हो जाएगा दो एकम दो के लिए दो एकम दो प्लस का दो तो दो और दो कितना हो गया तीन की पावर कितनी होगी दोस्तों तीन की पावर होगी आपकी चार अब तीन की पावर चार होगी तो तीन की पावर चार को आप कैसे लिखेंगे तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन ऐसे ही तो लिखेंगे तीन तरीक का नौ नौ तिहाई सत्ताईस सत्ताइस कितना होता है इक्यासी होता है तो तीन की पावर चार का मान दोस्तों क्या होता है इक्यासी तो इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इक्यासी हो जाएगा पहला ऑप्शन क्लियर है दोस्तों जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होती है बराबर हो जाती है अब x का मान हमने निकाला वन निकल के आया तो यहाँ पर x की जगह हम वन रख देंगे सॉल्व कर लीजिए बस आपका आंसर आ जाएगा क्लियर दोस्तों दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद